निहाल आप क्रॉस करके तो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो फिर आप 12 किलोमीटर दूर हैं। इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि मगरब में ही 5 किलोमीटर पे ठलिया इंटरचेंज मौजूद है, मोटरवे ठलिया इंटरचेंज मौजूद है, और अगर आप हलारम सिटी के से चक्री इंटरचेंज जाना चाहते हैं तो हलारम सिटी से 30 किलोमीटर जनूब में मोटरवे का चक्री इंटरचेंज मौजूद है। इसके बाद एक और जो आम और लाजमी बात है, रिंग रोड का जो इंटरचेंज है एयरपोर्ट इंटरचेंज, यूं तो आपको हर सोसाइटी कह रही है कि उसे रिंग रोड रावलपिंडी इंटरचेंज देने जा रहा है, लेकिन असल में जो एक इंटरचेंज कंफर्म है अभी तक वो इंटरचेंज है रिंग रोड का एयरपोर्ट इंटरचेंज, और वो क्वाला के मुकाम पर बनाया जा रहा है जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। रिंग रोड के जो पेशन गई हैं सर्वे की, वो बिल्कुल अगर रिंग रोड से कहाँ से गुजरेगा तो मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो बिल्कुल सामने जो आपको पहाड़ी की एक नुक्कड़ नज़र आ रही है, ये साइन बोर्ड के बिल्कुल साथ ही पहाड़ी की एक नुक्कड़ नज़र आ रही है, यानी कि जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर से रिंग रोड गुजरेगा, और बिल्कुल जनूब की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ से भी तकरीबन 1.5 से 1.75 किलोमीटर गुलशन कश्मीर की हदूद से रिंग रोड गुजरेगा। लिहाजा यहाँ पे तालीम के बारे में कुछ लोग पूछते हैं, तो इस वक्त तो हम अलफते वीआईपी ब्लॉक में खड़े हैं, और अलहरम सिटी का जो अलहरमैन ब्लॉक है उसमें स्कूल मौजूद है, आबाद स्कूल मौजूद हैं, इंटर कॉलेज मौजूद है, ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। उसके बाद मुसाफत के हवाले में भी हम आपको दिखा चुके हैं। ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसमें आज आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अगर आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिंग रोड की वजह से ये इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत जल्दी मुनाफा बख्श होगी। लिहाजा अलहरम सिटी के आप अगर आरडीए से एनओसी के बारे में चेक करना चाहते हैं तो आप आरडीए की वेबसाइट पे जाएं और वहां से डाउनलोड करें पीडीएफ में जो सोसाइटीज़ हैं जिनको एनओसी हैं, और उसमें अलहरम सिटी का 8वां नंबर है। आइए देख शुरू है। लिहाजा यहाँ इस सारे इलाके में जो अलहरम सिटी ने अपने अलफते ब्लॉक के वीआईपी ब्लॉक के ब्रोशर्स में जिन चीज़ों का प्रॉमिस किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे तेज़ी से डेवलप हो रही हैं।
अगर कहीं डेवलपमेंट स्लो है तो वो आपकी तरफ से जो बुक किए गए हुए प्लाट हैं और उन पे अभी तक कंस्ट्रक्शन स्लो है, उनकी पेमेंट्स बाकी हैं जो कोरोना की वजह से लेट हुई हैं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो पेमेंट्स आप फौरी तौर पे अलारम सिटी के हेड ऑफिस जमा करवाएं ताकि ये जो काम इस वक्त तक लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं अपनी नज़रों से ये जो काम लगे हुए हैं, इनमें कोई रुकावट पैदा ना हो। इसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि फौरी तौर पर आप अलफतेह ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। अलारम सिटी ने अपना वादा पूरा कर दिया गया हुआ है अलफतेह वीआईबी पी ब्लॉक को 100% डेवलपमेंट कर डेवलप कर दिया गया है। अब आप फौरी तौर पे यहाँ अपना घर बनाएं और स्पेशली जो लोग इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनसे गुजारिश है कि इस वक्त आपके घर की रेंट वैल्यूज़ जो हैं वो अलारम सिटी में बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एयरपोर्ट के करीब तरीन, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब तरीन जो सोसाइटीज़ इस वक्त आबाद हैं वो सिर्फ एक सोसाइटी है और वो है अलारम सिटी, जहाँ पे घर मौजूद है। 35 एयरलाइन के लोग जो ऑपरेट हो रही हैं, 35 एयरलाइन के सैकड़ों लोग इस वक्त अलारम सिटी में आबाद हैं, अलारम सिटी में अपना प्लॉट ले रहे हैं। सिविल एविएशन के मुलाज़मीन, PIA के मुलाज़मीन, लगभग 18,000 मुलाज़मीन जो PIA के हैं वो इस वक्त अलारम सिटी में अपना प्लॉट्स ले रहे हैं, वो भी प्लॉट्स ले रहे हैं और प्लॉट्स के साथ साथ रेंट पे घर ले रहे हैं। अलारम सिटी में 5 मरले के जो घर है उसकी रेंट वैल्यू जो है वो 25,000 रुपया है और यहाँ पे बिजली, पानी, गैस समेत हर किस्म की सहूलत मौजूद है और बच्चों के लिए स्कूल भी मौजूद हैं, पॉक्स भी मौजूद हैं। लिहाजा इस वक्त तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आपकी काउंट हो रही है वो अलारम सिटी रावलपिंडी हो रही है और आपसे गुजारिश है कि आप फौरी तौर पे अलारम सिटी रावलपिंडी में आपने जो अपना प्लॉट लिया हुआ है, अक्सा ब्लॉक में लिया हुआ है, तूबा ब्लॉक में लिया हुआ है, अलारमैन ब्लॉक में लिया हुआ है, अलफतेह में लिया हुआ है, उनमें फौरी अपने घर बनाएं ताकि ये प्लॉट्स आपके लिए मुनाफा बख्श शामिल हो, मुनाफा बख्श साबित हो। आइए देखते हैं अलारम सिटी की। अलारम सिटी वाहिद चक्री रोड की सोसाइटी है कि जिसने एक साथ पे वो प्लाट देना शुरू कर किए हैं शुरू से ही। अलारमैन ब्लॉक को जब से ओपन किया 2004 से अलारम सिटी बकब्ज़ा प्लाट दे रही है। आपके प्लाट का कब्ज़ा आपको फौरी पहले डेवलप करके दे दिया जाता है, पार्शली डेवलप हो रहा है और लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है। 4,50,000 रुपया मरला इसकी कीमत सेट की गई है और इनिशली इसे 3,70,000 रुपया मरला से स्टार्ट किया गया था और इस वक्त बड़ी कामयाबी से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहा है। बहुत इसने पूरे पाकिस्तान में लोगों में पजीराई हासिल की इस प्रोजेक्ट ने और अलारम सिटी ने ये साबित किया कम अरसे में कि वो इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन वो इदारा है जो बेघर लोगों को कम कीमत पे मिडिल क्लास को घर दे रहा है।
और इसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं कि अलारम सिटी इस वक्त हैवी मशीनरी के साथ इस तमाम प्रोजेक्ट को, अलफतेह ब्लॉक को डेवलप कर रही है। आप जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स लिए हैं, आप फौरी तौर पे अपनी बाकी पेमेंट्स अदा करें, और जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स नहीं लिए, आप मुझे देख रहे हैं, आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, कराची में देख रहे हैं, लाहौर में देख रहे हैं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। ये गोल्डन चांस है इन्वेस्टमेंट का। शहर जो है रावलपिंडी शहर जो है वो इस वक्त रावलपिंडी के जनूब में शिफ्ट किया जा रहा है। आरडीए ने इसके लिए बेहतरीन प्लानिंग की है। जैसा कि आपने अलारम सिटी अलफतेह ब्लॉक की मेन शाहराह को देखा है, कितनी खूबसूरत शाहराह है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि अलफतेह ब्लॉक की गलियाँ जो है वो 30 फुट 35 फुट 40 फुट 50 फुट की गलियाँ हैं, और अंदर की शाहराहें आपने देखी हैं 100 फुट 150 फुट 80 फुट की शाहराहें हैं। अंदरून शहर से जो कंजेस्टेड एरिया हैं वहाँ से लोगों ने निकल के बड़ी तादाद में रावलपिंडी में अलारम सिटी में अपने घर बुक कराए हैं। और आप जो लोग कराची में बैठे हुए हैं, आप जिस वक्त भी गर्मियों में सियाहत के लिए यहाँ आते हैं, आप बड़ी तादाद बड़े भारी रेंट यहाँ पर देते हैं, तो आप भी यहाँ पर बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक है, एयरपोर्ट के और दो मोटरवे के जो इंटरचेंज है, एक चक्री इंटरचेंज और दूसरा ठलिया इंटरचेंज। ठलिया इंटरचेंज तो अलारम सिटी से बहुत ज़्यादा करीब है, 5 किलोमीटर के फासले पे है। आप ज़रूर यहाँ पे अपना घर बुक करवाएं, आप ज़रूर यहाँ पे अपना प्लॉट बुक कराएं। जो लोग कोयटा से मुझे देख रहे हैं, बलूचिस्तान से देख रहे हैं, और स्पेशली जो ओवरसीज़ लोग देख रहे हैं, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि फेसबुक की सोसाइटियों पर प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको मैं हाथ जोड़ के एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी सोसाइटियों में आप इन्वेस्टमेंट करें जहाँ आपका प्लॉट बुक हो और उसके बाद आपको पोजीशन मिल जाए, आप वहाँ पे घर बनाएं। ये आपकी खून पसीने की कमाई है। आप पाकिस्तान से बाहर रह के, आप अपने बच्चों बीवी बच्चों से ख़ानदान से दूर रह के आप लोग ये पैसा खून और पसीने की कमाई से कमाते हैं। आप वो लोग हैं जो अपने प्यारों की कब्रों पर नहीं पहुँच सकते, उनका मुँह नहीं देख सकते। आप अपने बच्चों बीवी, और आप में से कितने लोग होंगे जिसने अपने वालिदैन को कभी आखिरी दीदार नहीं किया होगा। प्लीज़ आप इस पैसे का कदर कीजिए और ऐसी सोसाइटीज़ में बुक करें। मैक्सिमम ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी यूट्यूब पे जब भी मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो वो मुझे टेलीफोन करते हैं और ऐसी ऐसी चक्री रोड पे सोसाइटीज़ का नाम लेते हैं जो सिरे से आरडीए की लिस्ट में मौजूद नहीं है। और अगर कोई एक आध मौजूद भी है तो उसके सामने आरडीए ने बिल्कुल साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि फेक है। आप मुझे फ़ोन करने के अलावा आप आरडीए को की वेबसाइट पर जा के बाकायदा से गूगल पर आप लिखें कि फेक सोसाइटीज़ ऑफ रावलपिंडी, अप्रूव्ड सोसाइटीज़ ऑफ रावलपिंडी, तो वहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट में भी बहुत सारे नाम हैं, आपको पता चलेगा कि चक्री रोड पे सिर्फ और सिर्फ दो सोसाइटीज़ हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, एक स्मार्ट सिटी है और दूसरा अलारम सिटी है, और दोनों का एनओसी मौजूद है। अलारम सिटी में कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, आज हम अलारम सिटी में के इस ग्राउंड में आके खड़े हुए हैं, स्पेशली उन ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो अपने वतन से दूर बैठे हुए हैं और जो फेसबुक उनके पास पाकिस्तान के में अपने प्यारों से कम्युनिकेशन करने का एक वाद जरिया है फेसबुक। जब शाम को वो फेसबुक पर आके बैठते हैं तो लुटेरे उन्हें 5-5 कनाल की सोसाइटीज़ पर और 10-10 कनाल की फेक सोसाइटीज़ पर 1-1 हज़ार और 10-10 हज़ार फेसबुक पे प्लाट बेचते हैं। आप पाकिस्तानियों, आपके लिए मैं आके खड़ा हुआ हूँ जो पाकिस्तान से बाहर हुए हैं। इस वक्त अलारम सिटी रावलपिंडी में शदीद गर्मी है, मेरा सारा स्टाफ जो है वो मेरे साथ यहाँ पे आपके लिए हम ये शूट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप जो नेक्स्ट जितना भी अपना काम करें, नेक्स्ट जितनी भी अपनी ख़रीदारी करें, उन सोसाइटीज़ में करें जहाँ मुकम्मल हैवी तौर पे इस वक्त आप देख रहे हैं डेवलपमेंट हो चुकी है या हो रही है। जो अलारम सिटी है उसकी डेवलपमेंट हो भी चुकी है, वहाँ पर घर भी रह रहे हैं। आप पार्ट वन में जाएँ, इसी अलारम सिटी विजिट पार्ट वन में जाएं, आपको मैंने मुकम्मल दिखा दिया हुआ है। आप प्लीज़ अपनी इस खून पसीने की कमाई को, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ उस जगह पे इन्वेस्ट करें जहां ये आपके लिए बायस बने, प्रॉफिट का बायस बने। जो पाकिस्तान भर से मुझे लोग देख रहे हैं और उनसे गुजारिश है कि इस वक्त रिंग रोड का इफ्तिताह
हो चुका हुआ है ये समझे, क्योंकि 6 अरब रुपए की रकम आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 6 अरब रुपए की रकम जो है वो रिलीज कर दी है। तेजी से जमीनों की खरीदारियां हो रही हैं, तेजी से लट्ठे मार्क किए जा रहे हैं। इसके बाद का जो सेशन स्टार्ट होगा रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से, वो इंशाल्लाह लैंडमार्क होगी और 3 सर्वों के बारे में, सर्वे के बारे में पेशन गोई हो रही है। मैंने आपको रिंग रोड रावलपिंडी में तफसीली से हमारी एक वीडियो है बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो रिंग रोड रावलपिंडी है, उसमें आप देखें तफसील से मैंने आपको बताया है। तो दिल थाम के सारे इन्वेस्टर पाकिस्तान भर से बैठे हुए हैं और उन तमाम इन्वेस्टर से गुजारिश है कि इस वक्त जो रिंग रोड रावलपिंडी है वो अलारम सिटी से सिर्फ 1 या 1.25 किलोमीटर अल्फते वीआईपी ब्लॉक से दूर है और वहाँ पे आएँ और अल हरमैन से तकरीबन 1 किलोमीटर मगरब की तरफ है, वहाँ पे आएँ, फौरी तौर पे आएँ, आके आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये गोल्डन चांस है आपके पास इन्वेस्टमेंट का और हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस इन्वेस्टमेंट में आपका साथ देंगे। आप फौरी तौर पर अगर आप हमारी ऑनलाइन बुक विजिट बुक करेंगे तो आपकी बुकिंग फ़ी में 50% माइनस होगा और आपसे गुजारिश है कि इस बुकिंग के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से फौरी रब्ता करें। ये था अलारम सिटी का मुकम्मल विज़िट, मशवरे और यहाँ का तमाम तर जो आपको हमने इन्वेस्टमेंट के हवाले से